एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, नाम था अमन। अमन रोज साइकिल से स्कूल जाता। उसकी साइकिल इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसके पहिए हमेशा आवाज करते थे। पैडल मारने के लिए इतना झुकना पड़ता था कि बहुत जोर लगता था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते रहते, अरे अमन, ये साइकिल ही तेरे को बूढ़ा कर देगी, कब तक इस पुरानी साइकिल पर चलता रहेगा, नई खरीद ले। अमन को दोस्तों की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता। एक दिन उसने अपने पिता को कह ही दिया, पापा मुझे एक नई साइकिल चाहिए, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अमन अगर तुम कुछ समय तक इसी साइकिल से काम चला लो तो मैं तुम्हें एक नई साइकिल जरूर दिलवा दूंगा। अमन ने मन मारकर पिता की बात मान ली और वो रोज अपनी उसी पुरानी साइकिल से स्कूल जाता रहा, परेशानियां झेलता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसे साइकिल की खड़खड़ाहट और अपना झुकना सामान्य लगने लग गया। अब उसे अपनी ये पुरानी साइकिल बुरा लगना बंद हो गई। कुछ महीने बाद उसके पिता नई साइकिल ले आए। एकदम चमचमाती हुई नई साइकिल देखकर अमन खुश हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी पुरानी साइकिल पर पड़ी। इसके साथ उसकी एक कहानी जुड़ गई थी, उसकी मेहनत, संघर्ष और धैर्य की कहानी। इसलिए अमन ने नई साइकिल का इस्तेमाल जरूर शुरू कर दिया, लेकिन अपनी पुरानी साइकिल को भी संभाल कर रख लिया, ताकि वो कभी ये ना भूले कि असली खुशी चीजों को बदलने में नहीं बल्कि उनको समझने और अपनाने में है। जीवन में भी हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारी परेशानियों, चुनौतियों या हर वो चीज़ जो हमारे पास है उसे बदलना ही बेहतर होगा। हम नई चीज़ों, नई सुविधाओं की तलाश में लगे रहते हैं और बस इसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। इससे हमारा ध्यान आत्म विकास से हटकर सिर्फ उपभोग की ओर चला जाता है। लेकिन ज़रूरत तो है अपनी असली संभावनाओं को पहचानने की, जो अमन की पुरानी साइकिल की तरह ज़िंदगी के कठिन रास्तों को हर हाल में पार करना सिखा जाए और हमें एक ऐसा इंसान बना जाए जिसे ये पता हो कि साइकिल नई हो या पुरानी, चलाने वाले में दम ना हो तो मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता।